इस वीडियो में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में समझते हैं। ये वैकेंसी में आपका नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए निकाला गया है, जिसमें आपका ऑनलाइन स्टार्ट जो होगा 6 फरवरी 2023, यानी आज 6 फरवरी से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, और यह फॉर्म आपका 16 फरवरी 2023 तक आपका जो है भरा जाएगा। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, कंप्लीट जानते हैं। सीट्स कितना होगा, सैलरी वगैरह क्या है, एग्जाम का क्या क्राइटेरिया है, वो सब कुछ समझते हैं। तो इसमें पोस्ट ऑफ नाविक, जिसमें जनरल ड्यूटी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, मतलब आपका जनरल ड्यूटी के लिए भी है और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भी है, ठीक है। और दूसरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो अगर जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप फिल करेंगे तो 10+2 आपका पास होना चाहिए, जिसमें कि मैथ एंड फिजिक्स, यानी मैथ और फिजिक्स दोनों होना चाहिए, वो भी एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी जिस बोर्ड से आप 10+2 पास किए हैं वो कोप्सो से रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें 10th पास होना चाहिए, और ये भी बोर्ड आपका कोप से रजिस्टर्ड होना चाहिए। एज लिमिट आपका इसमें बता रहा है मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 22 इयर्स, यानी आपका जो एज होना चाहिए कम से कम 18 और मैक्सिमम जो है वो 22 होना चाहिए। मतलब समझ गए कि इसमें जो वैकेंसी निकाला गया है, एक आपका नाविक के लिए जिसमें जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच है, 10+2 होना चाहिए जनरल ड्यूटी में और फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, और अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अगर फिल करते हैं तो 10th कंप्लीट होना चाहिए, और ये दोनों बोर्ड आपका कॉप से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और एज आपका 18 और मैक्सिमम एज 22। इसके बाद आपका जिसमें बता रहा है जीडी एंड डीबी के लिए, जो डोमेस्टिक ब्रांच है और जीडी के लिए, बोर्न बिटवीन 1 सितंबर 2001 to 31 अगस्त, यानी 31 अगस्त 2005 के बीच होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ एज को लेके छूट दिया गया है, जिसमें कि एससी एसटी है तो उसमें 5 साल छूट दिया गया है, और जो ओबीसी है जिसमें नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो इसमें 3 साल का छूट दिया गया है। वैकेंसी नाविक जनरल ड्यूटी में जनरल आपका 88 सीट है, ईडब्ल्यूएस 22 सीट है, ओबीसी के लिए 61 है, एसटी 22 है और एससी 32 है। टोटल जनरल ड्यूटी में 225 सीट है, और डोमेस्टिक नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में जनरल कैटेगरी 12 है, ईडब्ल्यूएस 2 है, ओबीसी 10 है, एसटी 2 है, एससी 4 है, इसमें आपका 225, इसमें आपका 30 सीट है, यानी 225 और 30 सीट कितना हो गया 255 सीट के लिए। हालांकि ये इसमें जो सीट्स वगैरह है वो आपका बदला भी जा सकता है, अभी मतलब घटाया बढ़ाया जा सकता है, वो तो मैक्सिमम में रहता है, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें जो है ना स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, 4 स्टेज में है, ठीक है। जिसमें आप पहला स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन है, वो आप थोड़ा सा अच्छा सा देख लेंगे, है ना, जिसमें आपका कुछ कुछ ये देख लीजिएगा, जैसे बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग में जैसे सेक्शन 1 होता है ना, सेक्शन 2 है जिसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 है, टाइम 45 मिनट्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है। किससे किससे क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, तो आपका जैसे मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन है और जीके से 5 क्वेश्चन है। पासिंग मार्क आपका 30 होना चाहिए जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी, और जो एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं उसका पासिंग मार्क जो है ना 27 रखा है। सिलेबस क्या है, क्लास 10th का सिलेबस को देखते हुए इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अगर सेक्शन 2 में अगर देख रहे हैं तो इसमें मैथ और फिजिक्स से 25-25 क्वेश्चन है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 है और टाइम 30 मिनट है और क्वेश्चन आपका 50 होगा। 20 क्वेश्चन इसमें 20 जो मार्क्स है ना वो पासिंग मार्क्स है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 17 है आपका एससी एटी कैटेगरी के लिए, और इसमें क्लास 12 मैथ एंड फिजिक्स सिलेबस, जो क्लास 12 का जो मैथ और फिजिक्स सिलेबस है उसको देखते हुए क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और हम यहाँ से स्टेज 2 में अगर देखेंगे तो इसमें देखिए फिजिकल फिटनेस को लेकर है ना, पी टी
जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है ना, उसमें जैसे कि इसमें देख रहे हो ना 1.6 किलोमीटर रन है, सो वो भी 7 मिनट में, मतलब 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है वो भी 7 मिनट में, 20 स्क्वायर स्क्वाट यूपी अब आपसे जो उठक बैठक करते हैं ना वो, और इसके बाद 10 आपका पुशअप है, यानी 20 उठक बैठक करना है, 10 आपका पुशअप है और 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। इसके ये सब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो कागज वगैरह तो चेक करता ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टेज थ्री में देखेंगे तो स्टेज थ्री यानी स्टेज वन स्टेज टू उसको देख के जो है ना मैरिज लिस्ट आपका प्रिपेयर होगा, ठीक है ना, वो सब थोड़ा सा देख लेंगे आप। इसके बाद आपका फाइनल मेडिकल एट INS सेल का, इन सब में जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, और इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, अदर एसोसिएटेड फॉर्म, ये सब सारा भराएगा। और स्टेज फोर में क्या है ना कि आपका द कैंडिडेट्स हु क्लियर स्टेज थ्री एंड स्टेज, जो मतलब स्टेज थ्री कंप्लीट करेगा, मतलब स्टेज स्टेप स्टेप में आप स्टेज फोर तक पहुँचेंगे, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे आपको करना है, तो अप्लाई तो पहले बता दी, 6 फरवरी 2023 से लेके 16 फरवरी 2023 तक ये फॉर्म आपका अप्लाई होगा, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, हालांकि कोई भी फॉर्म जब भरेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन को देखते हुए, हालांकि ये ऑफिशियल वेबसाइट का ही नोटिफिकेशन है, ठीक है। और इसके अलावा ये सब डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा वो आप यहाँ पर एक लिस्ट बना हुआ है, इसमें देख लीजिएगा यहाँ से, है ना। जैसे होता है ना कैंडिडेट्स स्कैन सिग्नेचर इमेज होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड पैन कार्ड दे दीजिए, सर्विस सर्टिफिकेट या NOC अगर इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये सब सारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, यहाँ से देख लेंगे आप डॉक्यूमेंट ऑल कैंडिडेट्स के लिए, इसमें आपका जो है GD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ऐसे उम्मीद है, और फी इसमें जो है ना, फी क्या लगना है, तो जो SC ST कैंडिडेट है उसको जो फी जो है आपका क्या किया गया, कैंडिडेट एक्सेप्ट SC ST कैंडिडेट्स हु आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी आर रिक्वायर्ड टू पे 300 रुपीज, ठीक है, यानी 300 रुपये लगेगा, वो भी ऑनलाइन मोड, मतलब SC ST कैंडिडेट छोड़ के बाकी जो भी कैंडिडेट है ना सबका फी आपका जो है 300 रुपये लग रहा है, SC ST कैंडिडेट को फी छोड़ दिया गया है। फिर आपका नेट बैंकिंग, वीज़ा, डेबिट और जो भी जिसके थ्रू भी करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा एग्ज़ाम सिटी वगैरह जो है ना, और ऐसे भी बता रहा है कि एग्ज़ाम सिटी ये तो विद इन 30 किलोमीटर फ्रॉम एन करेंट एड्रेस है ना, जो नियरेस्ट एग्जामिनेशन सिटी आपको दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, 30 किलोमीटर के अंदर में ही रहेगा। इसके बाद यहाँ से टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन या डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, जो GD और DB के लिए लगभग आपका एंड मार्च 2023 बता रहा है, और सेकेंड वाला जो स्टेज टू होगा ये मिड या एंड मई 23 बता रहा है, और स्टेज थ्री वाला अर्ली या मिड आपका सितंबर ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत बता रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है ना कि इस तरह से आप देख लेंगे थोड़ा, ठीक है, ये एक टेंटेटिव बता रहा है, एग्जैक्ट यही नहीं बताता है ना। चलिए अब यहाँ से रिजल्ट डिक्लेरेशन है, उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब सारा आप एक बार जब फॉर्म भरेंगे ना तो आप अच्छे से इन सबको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हाइट और मेडिकल स्टैंडर्ड में जब आप जाएंगे ना, तो जैसे कि हाइट इतना होना चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और टैटूज वगैरह देख लीजिएगा, यहाँ से टैटू के बारे में बोलता है कि परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के कोई भी पार्ट में ना वो जो परमानेंट बॉडी में जो टैटू लगाते हैं ना वो अनुमति नहीं है, ठीक है, वो सब आप देख लेना है आपको। इसके अलावा ये ट्रेनिंग को लेकर है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा तब इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है इस फॉर्म के बारे में जो है आप समझ में आया होगा और जानकारी भी हुआ होगा इस फॉर्म से। बाकी आपको जो है जब आप भरेंगे तो आप अपने क्वालिफिकेशन, अपने हाइट, चेस्ट, इन सबको देखते हुए और उसी हिसाब से सिलेबस को देखते हुए इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।